हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शंकर आईएएस एनवायरनमेंट का चैप्टर 12, जो कि है एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कई चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो सबसे पहले जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बता देता हूँ। ये सारी जो स्पीसीज यहाँ पर दी हुई हैं, डिफरेंट क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह, ये सारी स्पीसीज हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई स्पीसीज कब इंपॉर्टेंट हो जाती है? जब वो करंट अफेयर में रही हो, ठीक है। और इनमें से कई स्पीसीज का स्टेटस भी चेंज हो चुका है। तो लेटेस्ट सारा डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? आपको डेटा मिलेगा यहाँ से, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था लिस्ट के बारे में, जो मैंने खुद प्रिपेयर की है। इस लिस्ट में सारे जो भी स्पीसीज करंट अफेयर में रही हैं उनका क्या रिसेंट स्टेटस है, और जो भी उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इस लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो अलग से आपको किसी अन्य चैप्टर में एनिमल्स के बारे में डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, आप इसी लिस्ट से सारा चीज़ पढ़ लें। तो ये सारी जो ऊपर वाली चीज़ें थी, ये सारी चीज़ वहाँ से कवर हो जा रही हैं। और ये सारी चीज़ें अगर इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर में आई हैं, तो उस लिस्ट में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। इस टाइप की हर एक स्पीसीज को पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं है, जो भी बुक में दी है। तो आप यहाँ से स्टार्ट होगा कि कुछ एक्सेप्शनल एनिमल्स के बारे में है, जैसे कुछ एग लेइंग एनिमल्स के बारे में कहा गया है। वो मैमल्स जो एग ले करते हैं उनके बारे में, मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स वो एनिमल होते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैमल्स जो हैं यंग वंस को जन्म देते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं, वो छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। मैमल्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, यानी मिल्क पिलाते हैं। हमने देखा होगा बर्ड्स ऐसा नहीं करते हैं, रेप्टाइल्स ऐसा नहीं करते, लेकिन सिर्फ मैमल्स ऐसा करते हैं। और मैमल्स के शरीर पे हेयर पाए जाते हैं, बर्ड के शरीर पे फेदर पाए जाते हैं। रेप्टाइल, इंसेक्ट वगैरह किसी के शरीर पे कोई भी हेयर नहीं होते हैं, सिर्फ मैमल्स के शरीर पे हेयर होते हैं। तो एग लेइंग मैमल एक एक्सेप्शन हो गया, ऐसा एक्सेप्शन जो मैमल है लेकिन वो यंग वंस को, यानी छोटे बच्चों को जन्म नहीं देता, वो अंडे देता है। तो ऐसे मैमल्स की एक कैटेगरी है। तो मैमल कैसे हुआ? मैमल इसलिए हुआ क्योंकि ये बाकी दोनों जो क्राइटेरिया है उनको ये फॉलो करता है, ठीक है। और एग लेइंग कौन कौन करते हैं? तो इंसेक्ट भी एग लेइंग करते हैं, रेप्टाइल्स भी एग लेइंग करते हैं, बर्ड्स भी एग लेइंग करते हैं, लेकिन मैमल्स यूजुअली एग लेइंग नहीं करते हैं। एक ही ग्रुप है जिसमें एग लेइंग मैमल्स पाए जाते हैं, और उनको मैमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिल्क और हेयर वाला क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। तो ऐसे मैमल्स के ग्रुप को कहा जाता है मोनोट्रीम्स, मोनोट्रीमेटा ग्रुप है उसमें पाए जाते हैं। इनमें कुल मिला के 5 मैमल्स हैं। पहला तो है डक बिल्ड प्लेटिपस, और उसके अलावा 4 स्पीसीज पाई जाती हैं स्पाइनी एंड ईटर्स की, जिसको एकिडना कहा जाता है आमतौर पे। और ये सारे जो हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इलाके में पाए जाते हैं। अब जो प्लेटिपस है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया इन सब इलाकों में होता है। ये सारा डिटेल आपको जानने की जरूरत है। प्लेटिपस आमतौर पर पानी वाले इलाकों में रहता है, ये आप जान लीजिए, इतना ही बस इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाता है मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स क्या होते हैं? कंगारू आपने देखा होगा। कंगारू की क्या खास बात है कि उसके आगे पेट के पास एक पाउच होता है जिसमें उसके छोटे बच्चे रहते हैं। ये क्या फिनोमेना है? अगर आप ऑब्जर्व करें तो आम तौर पे मैमल्स जैसे ह्यूमन, कैट, डॉग, काऊ, इन सब में क्या होता है कि जो बच्चा पेट में डेवलप हो रहा होता है, भ्रूण डेवलप हो रहा होता है, वो काफ़ी समय तक मदर के वुम्ब में होता है। जिस और उस दौरान जो पीरियड होता है, जिस समय वो वुम्ब में रहता है, उसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड वेरी कर सकता है, 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने भी होता है कभी के, तो 9 महीने ह्यूमंस के केस में। तो ये हो गया जेस्टेशन पीरियड। लेकिन जेस्टेशन पीरियड में क्या खास बात है कि मदर जो है वो पूरा कैरी करती है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। और न्यूट्रिएंट कैसे प्रोवाइड करती है? मदर का ये अगर हम कहें वुम्ब है, तो वुम्ब के अंदर ये फीटस अगर पल रहा है, तो मदर उसको एक कनेक्टिंग टीशू के तहत कनेक्ट किए रहती है, जो मदर से न्यूट्रिएंट जो है इस फीटस को ट्रांसफ़र करता है। इस कनेक्टिंग टीशू को कहते हैं प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा जो होती है वो काफ़ी परमानेंट स्ट्रक्चर होता है जब तक भ्रूण रहता है। जब प्लेसेंटा बाहर आता है, तो ह्यूमन के केस में प्लेसेंटा के साथ ह्यूमन का इम्ब्रियो ह्यूमन का जो यंग चाइल्ड जो बॉर्न होता है, प्लेसेंटा के साथ बाहर आता है। तो प्लेसेंटा
बाहर रहता है उसको डिटैच कर दिया जाता है या नेचुरली कुछ समय में प्लेसेंटा अपने आप अलग हो जाएगा। गाय वगैरह के केस में भी ऐसा होता है, प्लेसेंटा शुरुआत में अटैच रहता है, धीरे धीरे अपने आप वो गिर जाता है। लेकिन मार्सुपियल्स के केस में क्या होता है, मार्सुपियल्स के केस में जो प्लेसेंटा होता है बहुत परमानेंट नहीं होता है, जब भ्रूण अभी डेवलप हो रहा होता है उसी समय प्लेसेंटा जो है वो डिटैच हो जाता है, प्लेसेंटा नष्ट हो जाता है। उसके बाद जो यंग वन जो भ्रूण डेवलप हो रहा था अंदर, उसको पेट के बाहर बने हुए एक पाउच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बॉडी से ही अटैच एक पाउच होता है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसमें क्या होते हैं, निपल्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस या अन्य मैमल्स के पास निपल्स होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो इस पाउच में निपल्स होते हैं। और जो ये भ्रूण जब डेवलप हो रहा होता है उसी स्टेज में वो यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग करना स्टार्ट कर देता है पाउच में, तो ऐसे एनिमल को कहते हैं मार्सुपियल, जिनके पास पाउच होता है और अपने जो भी छोटे बच्चे होते हैं भ्रूण अवस्था से ही उनको पाउच में रख के उनको नर्सिंग करते हैं। इनके एग्जाम्पल हो गए वालाबी और कंगारू, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं अधिकतर। अब आ जाती हैं बर्ड्स वगैरह, ये सारी बर्ड्स भी हमारे ही आप मटेरियल से देख सकते हैं, अलग से यहाँ से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यूजुअली इन सारे एनिमल का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन जो है रिक्वायर्ड होता नहीं, IUCN स्टेटस जान लिया और थोड़ी बहुत कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन है तो वो जान ली, इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाता है कोरल्स, कोरल्स क्या प्लांट है, एनिमल है, कोरल भी एनिमल होते हैं, ये भले सेडेंटरी लाइफ जीते हैं लेकिन ये एनिमल्स होते हैं, कुछ अर्लीस्ट टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनको हम पॉलिप्स कहते हैं। ये पॉलिप्स जो हैं समुद्र में पाए जाते हैं और वो स्टेशनरी लाइफ व्यतीत करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशंस में, जिनको हम कोरल्स कहते हैं। ये आमतौर पे कोरल्स जो होते हैं वो टॉलरेंट होते हैं सिल्टेशन के लिए, यानी कि जो भी वाटर आ रहा होता है अपने साथ उसमें बहुत सारे मलबे होते हैं, बहुत सारे सैंड वगैरह चीज़ें होती हैं जो कि सिल्टिंग का काम, बैठने का काम करती हैं, तो कोरल्स सिल्टेशन तो बच जाते हैं लेकिन टेम्परेचर राइज जो कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की वजह से हो रही है उनके लिए टॉलरेंट नहीं होते हैं, इतना ही पॉइंट यहाँ से हम देख रहे हैं। बाकी कोरल्स के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी देख लिया है। अब बर्ड्स के माइग्रेशन के बारे में है कि बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, बहुत सी बर्ड माइग्रेट करती हैं, कुछ कुछ बर्ड्स तो यहाँ पे इंडिया में साइबेरिया से आती हैं और काफ़ी दूर दूर तक माइग्रेट करती हैं, लगभग पूरे अर्थ का चक्कर लगाने वाली बर्ड्स भी हैं। तो बर्ड माइग्रेट क्यों करती हैं, इसलिए माइग्रेट करती हैं, पहला रीज़न ये है कि जहाँ पे वो ब्रीडिंग करती हैं वहाँ पे सीजन जो है कुछ समय में काफ़ी हार्श हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वो साइबेरियम ब्रीडिंग करती हैं तो कुछ समय में वहाँ पे सीवियर विंटर स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से वो चल के थोड़ी गर्म जगहों पर आ जाती हैं। तो टू अवॉइड एडवर्स फैक्टर्स ये हो गया, उसके अलावा जहाँ पे वो रहती हैं बाई चांस किसी खास सीजन में वहाँ पे फूड की शॉर्टेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल कहीं पे ऐसी जगह रहती हैं अफ्रीका में जहाँ पे काफ़ी जब वो ब्रीडिंग कर रही होती हैं तो काफ़ी पानी वगैरह होता है लेकिन कुछ समय में काफ़ी गर्मी हो जाती है और उसकी वजह से सूखा पड़ जाता है और सूखे की वजह से खाना कम हो जाता है, तो उनको वहाँ से मूव ऑन करना होता है, कहीं और जाना होता है जहाँ पे उनको पानी और खाना मिल सके, तो गया फूड शॉर्टेज और वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम की वजह से। और बेटर ब्रीडिंग कंडीशन के लिए भी जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर खाना तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है कि कुछ जगहों पे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि प्रीडेटर्स जो होते हैं शिकारी जानवर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो शिकारी जानवरों से बचने के लिए वो ब्रीडिंग करने के लिए सेफ जगहों पे जाते हैं जहाँ पे कम प्रीडेटर्स होते हैं, और उसके बाद जब एडल्ट होते हैं तो वापस ज़्यादा खाने वाली जगहों पर आ जाते हैं, ये है। और लेस कंपटीशन फॉर सेफ नेस्टिंग प्लेसेज, यानी कि कई जगहों पर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ही यहाँ पे बहुत से माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं लेकिन यहाँ पे ब्रीड नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी उन जगहों पे बहुत से ऐसे बर्ड्स पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा बर्ड्स पाई जाती हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी घोंसला बना रही होती है, तो सेफ नेस्टिंग प्लेस यानी कि घोंसला बनाने की जगहें जो हैं काफ़ी कम हो जाती हैं, तो ऐसी जगहों से जब उनको ब्रीड करना होता है तो वहाँ से कहीं और जाके ब्रीडिंग करती हैं, नेस्ट बनाती हैं, अंडे देती हैं, अपने बच्चों को डेवलप करती हैं और खाना खाने के मेन सीजन में वापस हमारे साइड आ जाती हैं। एक और थ्योरी है एक्चुअल में इसके अलावा, ये थ्योरी है कि अर्थ पे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, एक ज़माने में कॉन्टिनेंट एक में जुड़े हुए थे, ठीक है, एक साथ जुड़े हुए थे, तो मान लीजिए अगर ये छोटा सा 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही सिर्फ माइग्रेशन होता रहा हो, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक माइग्रेट होता रहा हो, पूरा सिंगल लाइन रहा हो, तो बर्ड जानती रहेंगी, उनका स्प्रेड रहा होगा इस एरिया में, वो जानती रहेंगी कि हाँ गर्मी में यहाँ खाना मिलता है और ठंडी में यहाँ खाना मिलता है, तो बर्ड्स का पूरा इस 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन जब
ये लैंड मास डिवाइड होके डिफरेंट कॉन्टिनेंट बन रहे थे, तो ये चलते चलते चले गए काफ़ी दूर हो गए, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे काफ़ी दूर चला गया। तो बर्ड जैसे जैसे ये मूव करते गए लैंड मास, बर्ड थोड़ा थोड़ा दूरी और सीजन्स में चलते गए और अल्टीमेटली आज के कॉन्टिनेंटल माइग्रेशन का जन्म हुआ। कॉन्टिनेंट भले बहुत दूर हो गए लेकिन वो सीजन बाय सीजन ट्रेवल करते रहे हैं, भले थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ा हो लेकिन ऐसा करते रहे। तो ये भी एक थ्योरी है। अब आ जाती है वाइल्ड लाइफ डिजीजेज, जंगली जानवरों को कौन कौन से डिजीज होती हैं। बहुत सी डिजीज होती हैं एक्चुअल में, मैंने आपको कई डिजीज जो हैं वो डिजीज चैप्टर में पढ़ा दिया है, खासकर वायरल डिजीजेज के बारे में, जिसमें आपने कैनाइन डिस्टेंबर वायरस, एलिफेंट इंसेफलाइटिस वायरस, इन सब चीज़ों को आपने वहाँ पर देख लिया है। लेकिन कुछ कुछ डिजीजों के बारे में यहाँ पर जिक्र है, इनमें से वैसे अधिकतर जो हैं वो करंट अफेयर में नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। वाइल्ड लाइफ एनिमल को ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी भी होती है, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, ये डियर कैट प्राइमेट्स एलिफेंट इनको इन्फेक्ट करता है। प्राइमेट्स क्या होते हैं, वो मंकी जो कि ह्यूमन टाइप के लुक में कह सकते हैं होते हैं, थोड़ा एकदम से मंकी जैसे नहीं होते हैं लेकिन थोड़ा ह्यूमन के करीब होते हैं, फॉर एग्जांपल चिंपैंजी वगैरह, ये सब प्राइमेट्स में आते हैं। इसके अलावा आ जाएगा एंथ्रैक्स जो कि एक बैक्टीरिया कॉज करता है बैसिलस एंथ्रेसिस, ये सांस की बीमारी होती है। गौर चीतल वाइल्ड पिग बार्किंग डियर इनको इन्फेक्ट करता है। फिर आ जाता है रेबीज वायरस काज करता है, ह्यूमंस को भी होता है बिल्कुल, अधिकतर वाइल्ड एनिमल्स को ये हो सकता है जिनमें टाइगर लाइन बियर मंगूज स्क्वेरल बैट्स ये सारी होती हैं। फिर आ जाएगा फूट एंड माउथ डिजीज़, क्योंकि फूट एंड माउथ डिजीज़ वायरस से होता है, गौर नीलगाय चीतल सांभर याक और मिथुन में होता है। रिंडर पेस्ट जो कि माइक्रोबिलाई वायरस काज करता है, ये होता है डिजीज़ डियर वाइल्ड पिग वाइल्ड बफेलो में। फिर ट्रिपैनोसोमिया जो है, एक्चुअल में ये गलत लिखा हुआ है, ट्रिपैनोसोमिया नहीं होता, ट्रिपैनोसोमा होता है, ट्रिपनोसोमा वायरस नहीं है, ट्रिपनोसोमा एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे आप फेमस एग्जांपल जानते होंगे, जैसे वो एग्जांपल है मलेरिया का, ठीक है, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो भी एक प्रोटोजोआ है। तो ट्रिपनोसोमा जो है वो एक प्रोटोजोआ है और ये विभिन्न बीमारी काज करता है टाइगर एलिफेंट सांभर और मकाक्स में। क्या ट्रिपनोसोमा ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है? यस, ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। ये सारी जो डिजीजेज हैं इन ह्यूमन में भी होती हैं, क्यों होती हैं देखें, ये सारी डिजीजेज वाइल्ड एनिमल में होती है, ह्यूमन इन जानवरों के संपर्क में आ जाते हैं तो उनके बीमारी लग जाती है, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन रेबीज का संक्रमण बहुत रेयर है, आमतौर पर देखा नहीं जाता है। उसी तरीके से ट्रिपनोसोमा ये भी ह्यूमन टू ह्यूमन जल्दी होता नहीं, तो ये सारे वाइल्ड एनिमल में सर्कुलेट होता रहता है और ह्यूमन इनके संपर्क में जाता है एनिमल्स के, तो ह्यूमन को भी हो जाता है ये सारी बीमारी। फिर आ जाता है टैक्सोप्लाज्मोसिस जो कि टैक्सोप्लाज्मा गोंडियाई के द्वारा होता है, जो कि काज करता है रीसस मकैस यानी लाल वाला लंगूर बंदर और सिवेट कैट को। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, क्या ट्रिपनोसोमा ह्यूमन में कोई फेमस डिजीज़ काज करता है? तो यस, बहुत सी फेमस ह्यूमन डिजीजेज हैं, आमतौर पर रेयर ट्रॉपिकल डिजीजेज की कैटेगरी में आती हैं और काफ़ी फेमस भी हैं और करंट अफेयर में भी इस साल रही हैं, आपको याद रख लेना चाहिए ट्रिपनोसोमा से क्या क्या होती हैं। ट्रिपनोसोमा की कई स्पीसीज होती हैं, ट्रिपनोसोमा ब्रूसेई, शायद स्पेलिंग चेंज हो सकती है, आपको चेक कर लेना चाहिए, सॉरी ब्रूसेई BRUCEI, ट्रिपनोसोमा ब्रूसेई जो है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसके बाद ट्रिपनोसोमा क्रूजेई, ये क्या काज करता है? चगस डिजीज़, इस साल ये दोनों डिजीज़ न्यूज़ में थी तो आपको याद होना चाहिए। अब आ जाएगा स्पीसीज एक्सटेंशन, विलुप्त होना, स्पीसीज का विलुप्त होना ये क्यों होता है? प्रकृति में जो चीज़ें जन्म ली हैं उनका नष्ट होना तो है, ये सारा इवोल्यूशन का प्रोसेस है। जैसा कि डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, माल्थस ने कॉन्सेप्ट दिया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का, डार्विन ने उसको इवोल्यूशनरी थ्योरी में बना दिया और कहा कि यस नेचुरल सिलेक्शन होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है गैलापागोस आइलैंड पे। तो स्पीसीज इवॉल्व होती हैं, स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती हैं और स्पीसीज सर्वाइव करती रहती हैं जब तक इन्वायरमेंट वैसा बना रहता है या अन्य कोई फैक्टर नहीं आ जाते हैं। तो सारे जो स्पीसीज का एक्सटिंक्शन का प्रोसेस है वो ज़रूरी नहीं कि ह्यूमन की वजह से हो, ह्यूमन तो नोन हिस्ट्री में ज़्यादा समय से रहा भी नहीं है।
डायनासोर्स विलुप्त हो गए, उसके पहले अन्य टाइप के एनिमल्स विलुप्त हो गए, या ऑब्जर्व किया जाता है कि प्लांट जो हैं उतना तेज़ी से विलुप्त नहीं होते हैं जितना तेज़ी से एनिमल्स विलुप्त होते हैं आमतौर पे, और क्या क्या रीजन्स हैं स्पीसीज के विलुप्त होने का इसको हम देखें, तो एक काज हो जाता है पहला डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस और दूसरा है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। स्टोकेस्टिक मतलब रैंडम, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक मतलब जो एकदम से तय है एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि यही वाला प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल ग्लेशिएशन, ग्लेशियर्स का बनना, आइस फॉर्मेशन होना, या कभी कभी डीग्लेशिएशन भी, ठीक है, आइस बनना, ग्लेशिएशन स्टार्ट हुआ, हिमयुग आया, आइस एज आई, तो क्या हुआ, डायनासोर्स विलुप्त हो गए। और ह्यूमन इंटरफेरेंस भी डिटर्मिनिस्टिक काज है, क्योंकि ह्यूमन क्या कर रहा है, अल्टीमेटली हैबिटेट का लॉस करा सकता है, या ह्यूमन क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को ऐसा चेंज कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इन्वायरमेंट वार्म हो रहा है जिससे बहुत से स्पीसीज जो हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक काजेज में ग्लेशिएशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस जैसी चीज़ें आ जाती हैं, और ह्यूमन इंटरफेरेंस में डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि। स्टोकेस्टिक मतलब चांस या रैंडम इवेंट जो बाई चांस हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पीसीज है जो कि एक खास आइलैंड पे पाई जाती है और सुनामी आ गई और वो स्पीसीज विलुप्त हो गई, तो ये क्या हुआ, एक बस स्टोकेस्टिक रैंडम इवेंट है, ये एकदम हार्ड एंड फास्ट इवेंट नहीं है जो पूरे अर्थ के स्पीसीज को खतरे में डाल सके। तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेज इन वेदर पैटर्न, डिक्रीज फूड सप्लाई, डिजीज, कंपटीटर्स, प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स, ये सारे रैंडम इवेंट होते हैं और ये सारे आते हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस में। ये हो गया। अब क्या होता है कि कई बार हमने देखा है रिसेंट हिस्ट्री में कि स्पीसीज का लॉस ज़्यादातर क्यों हो रहा है, उनके हैबिटेट लॉस की वजह से हो रहा है, और हैबिटेट का लॉस एकाएक नहीं होता है। हैबिटेट का लॉस क्या होता है, आमतौर पे बड़ा हैबिटेट होता है, हैबिटेट के फ्रेगमेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, हैबिटेट कई टुकड़ों में हो जाता है और वो टुकड़े भी डिमिनिश होने लगते हैं। तो एक्सटिंक्शन ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन काफ़ी देखा गया है आजकल, और इनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी हमें देखना चाहिए। तो ये किन स्पीसीज को हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा अफेक्ट करता है ये देखते हैं, उन स्पीसीज को जिनकी अबंडेंस कम होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। अगर शेर खास एरिया में गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है, बाई चांस गिर फॉरेस्ट में आग लग जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो क्या होगा कि वो शेर जो है वो रेयर स्पीसीज है, तो उसका एक्सटिंक्शन काफ़ी तय है। अगर कोई स्पीसीज बहुत जगह पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है, एक कंट्री में कुछ भी हो जाए उससे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। पुअर डिस्पर्जल एबिलिटी, दूर दूर तक फैलने की क्षमता अगर कम हो तो भी, फॉर एग्जांपल कोई ट्री है जो कि एक खास हिमालयन फुटहिल में ही पाया जाता है ट्री, उसके जो सीड्स हैं बीज दूर दूर तक नहीं फैल रहे हैं, तो क्या होगा, बाई चांस उस रीजन को खतरा हो जाएगा, तो वो जो प्लांट है वहीं पर ग्रो कर सकता है, तो वहीं और वो ग्रो नहीं होगा, इसका मतलब वहीं पर उसका एक्सटेंशन तय है। इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, खास टाइप के इकोसिस्टम के लिए अडॉप्टेड है, कोई ट्री है जो कि बहुत हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता हो और उसको बहुत ज़्यादा रेन भी चाहिए, ऐसे जगहों पे पाया जाएगा, अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गया और रेन फॉल थोड़ा भी कम हो जाएगी तो ऐसे स्पीसीज ग्रो नहीं होंगे। अनस्टेबल पॉपुलेशन, जिनका पॉपुलेशन डायनेमिक जो है अनस्टेबल होता है, उनकी कुछ पॉपुलेशन के मेंबर्स इधर उधर भागने की टेंडेंसी रखते हैं, पॉपुलेशन जो है एक सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक सीजन में बहुत कम हो जाती है, तो इस टाइप के अनस्टेबल पॉपुलेशन जो हैं वो बहुत ही फास्ट स्टोकेस्टिक जो रीजन्स हैं उनकी वजह से बहुत तेज़ी से नष्ट होने की क्षमता रखते हैं। फिर हाई ट्रॉफिक स्टेटस, ट्रॉफिक स्टेटस मतलब जो फूड चेन में कितना ऊपर पाए जाते हैं, सबसे नीचे आ जाते हैं हमारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर और टॉप पे आ जाते हैं एकदम टॉप कंज्यूमर या टर्सरी कार्निवोर, तो टर्सरी कार्निवोर जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा एक्सटिंक्शन का खतरा रहता है। अगर हम देखें तो शेर वगैरह जो हैं वही ज़्यादा खतरे में पड़े हैं क्योंकि वो हाई ट्रॉफिक स्टेटस रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको जो भी चीज़ खाना होता है वो अन्य चैनल से चल के आता है। अगर हिरन जो है, हिरन वो ये घास खा सकता है, वो पेड़ खा सकता है, बहुत चीज़ें खा सकता है, और हिरन जो हैं वो काफ़ी सूखों में भी रह सकते हैं क्योंकि कोई ना कोई घास कहीं कहीं मिल जाती है, और हिरन की पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, और बाय चांस बहुत ज़्यादा सूखा भी पड़ जाए तो हिरन क्या होगा, हिरन की पॉपुलेशन 10% डिक्लाइन हो जाएगी या 90% भी डिक्लाइन हो जाएगी, तब भी 10% मेंबर बचेंगे। लेकिन अगर वो जो 10% मेंबर जो बचे हैं वो बहुत दूर के रीजन में बच गए जहाँ पे
शेर आसपास है नहीं तो शेर को अल्टीमेटली खाना मिलना बंद हो जाएगा। तो हाई ट्रैफिक स्टेटस जो है वो काफ़ी अपने आप में ये खतरे लेकर आता है। उसके बाद आ जाता है लो एडल्ट सर्वाइवल रेट, वो सारी स्पीसीज जिनमें एडल्ट ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं, ये वाले कंडीशन जो हैं वो भी देखा जा सकता है कैनाइंस में, यानी कि लायन टाइगर्स में देखा जा सकता है। इनमें वायरस लगने की संभावना या डिजीज से मरने की संभावना एडल्ट की काफ़ी ज़्यादा होती है, तो लो एडल्ट सर्वाइवल रेट की वजह से एक्सटिंक्शन हो जाता है। लो इंट्रिंसिक रेट पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी कि अपने आप में स्पीसीज में ऐसी टेंडेंसी है कि वो बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते नहीं। इसका भी एग्जांपल लायन ही हो सकता है। लायन जो होता है बहुत साइज ब्रीडर होता है, इसका ये मतलब है अगर वो बहुत आइसोलेटेड स्पॉट में नहीं, आसपास बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा हलचल है, या इवन ह्यूमंस भी कैमरा लगा के बैठे हैं तो वो ब्रीडिंग नहीं करते हैं, तो ऐसे स्पीसीज का खतरा जो है एक्सटिंक्शन का बहुत ज़्यादा रखते हैं। फिर बॉडी साइज, फिकंडिटी, डाइटरी स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे ये हो गया कि अगर बॉडी साइज किसी स्पीसीज की बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा उसको फूड चाहिए, और ख़ास टाइप की वो डाइट पे ही चलता है, उसको यही वाली ग्रास पसंद है या यही वाला एनिमल वो खाकर ही रहेगा, तब तो उसका अगर जो जिस पे वो डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, वो वाली स्पीसीज थोड़ा भी कम ज़्यादा हुई तो उसकी पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेचुरल एक्सटिंक्शंस भी होते रहे हैं जिनमें कई रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट करना, जब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं तो कॉन्टिनेंट का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है जिससे ये कई स्पीसीज जो हैं वो अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे टेम्परेचर 1-2 डिग्री इधर बढ़ रहा है तो हज़ारों स्पीसीज जो हैं विलुप्त हो गई हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी भूकंप वगैरह आने की वजह से भी बहुत सी स्पीसीज मर जाती हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी बहुत सी स्पीसीज मर जाती हैं। ग्लोबल ग्लेशिएशन, जो कि ग्लेशिएशन आर्डोविशियन एरा में यानी कि आइस एज का आना जब स्टार्ट हुआ था तो उसकी वजह से बहुत सी स्पीसीज, फॉर एग्जांपल सारे डायनासोर्स, ये ख़त्म हो गए थे क्योंकि वो ठंडे में अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, वो वार्म ब्लडेड नहीं होते, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं तो वो आइस एज को सर्वाइव कर गए। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट, ये लेट क्रिटेशियस एक्सटेंशन के लिए ज़िम्मेदार है। जब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट में क्या हुआ है कि बाहर से कोई उल्का आके अर्थ पे गिर गई और उस उल्का के गिरने से इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डस्ट चली गई, इन्वायरमेंट में डस्ट चली गई तो सनलाइट नहीं आ पाती थी, सनलाइट नहीं होगी तो फिर क्या होगा, अर्थ वार्म नहीं रह जाएगी, इन्वायरमेंट वार्म नहीं होगा, अर्थ वार्म नहीं होगी तो ग्लोबल आइस एज आ जाएगी, तो ये वही फिनोमेना है। और वैस्कुलर प्लांट जो होते हैं, वो सारे प्लांट जो कि ज़मीन से पानी और मिनरल लेते हैं, और काफ़ी ऊपर तक चढ़ाते हैं, उनको वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। वो सारे प्लांट का एक्सटिंक्शन जो है वो एनिमल की तुलना में स्लो है, ये हमेशा देखा गया है। और जब भी प्लांट जो हैं उनमें कंपटीटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी खतरा उत्पन्न करते हैं। कंपटीटिव डिस्प्लेसमेंट का ये मतलब है, अगर मान लीजिए इंडिया में कोई घास पाई जाती है, उसकी जगह पे कोई अन्य घास आके ग्रो करने लगे जो कि इंडियन घास से ज़्यादा एफिशिएंट है मिनरल एब्जॉर्ब करने में, और उस ग्रास को खाने वाला भी कोई एनिमल नहीं पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है जो बाहर से ग्रास आई है वो ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी, तो कंपटीटिव डिस्प्लेसमेंट जो है ये प्लांट के लिए काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। और क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी ख़तरनाक है, ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जनरल जो ट्रीज हैं जिनको हम कहते हैं C3 प्लांट्स वो विलुप्त हो रहे हैं, और C4 प्लांट जो हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। C3 प्लांट्स में हमारे जनरल मैंगो वगैरह आ जाएंगे, C4 प्लांट में जैसे मक्का वगैरह ये सब आ जाएंगे। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन काज करता है, जिसमें हंटिंग, कलेक्शन, कैप्चर, प्रोसिक्यूशन ये सारी चीज़ें होती हैं, हैबिटेट लॉस जो कि ह्यूमन करा रहा है, फ्रेगमेंटेशन करा रहा है, और इन्वेसिव स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है ह्यूमन, जिसके वजह से स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होता जा रहा है। इन्वेसिव स्पीसीज का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में भी है, लेकिन ये समझ लेते हैं इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती हैं। देखिए, अगर इस एरिया में मान लीजिए एक एनिमल ए रहता है, तो एनिमल ए जो है वो क्या करता होगा कि नंबर वन स्पीसीज को खाता होगा, ठीक है, और ए को जेड जो है ए को खाता होगा। इस तरीके से इकोसिस्टम में एक बैलेंस रहता है कि वन का अमाउंट बढ़ेगा तो ए का अमाउंट बढ़ेगा, तो ए को खाने वाले जेड ज़्यादा हैं तो जेड का अमाउंट बढ़ेगा,
तो अल्टीमेटली एक अमाउंट कम हो जाएगा, तो इस तरीके से एक बैलेंस क्रिएट रहता है हमेशा नेचर में। लेकिन अगर कोई स्पीसीज आ जाए यहाँ पे, बी स्पीसीज जो कि ए वन को खाती है लेकिन बी को कोई नहीं खाता है, तो क्या होगा? वो अपना अमाउंट जो है वो काफ़ी बढ़ा सकती है, उसको कोई खाने वाला नहीं है। तो ऐसी स्पीसी जो बाहर से आई है जो कि इकोसिस्टम को वहाँ पे डिसरप्ट कर दे, उसको हम कहते हैं इन्वेसिव स्पीसी। अब आ जाता है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, जिसके बहुत से काजेज हैं। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट मेनली क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ पे एनिमल रहते हैं वहाँ पे ह्यूमन जा रहे हैं, और ह्यूमन अपनी बस्तियाँ बढ़ाते जा रहे हैं, और एनिमल के रहने वाले इलाकों में उनकी बस्तियाँ होती जा रही हैं। मेन रीज़न हो गया ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ और लैंड यूज ट्रांसफॉर्मेशन। जो जंगल थे आज उनको हमने बना लिया है, या तो अपना घर बना लिया है, या तो हम वहाँ खेती करने लगे हैं। स्पीसीज का हैबिटेट लॉस हो जा रहा है, जिसकी वजह से उनका डिग्रेडेशन इन हो जा रहा है, उनके हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो जा रहा है। शेर इतने बड़े एरिया में रहता था, खुला है, कोई ह्यूमन नहीं रहता था। अब ह्यूमन ने क्या किया है कि ह्यूमन यहाँ भी खेती करता है, ह्यूमन यहाँ भी खेती करता है, और ह्यूमन यहाँ पर रहने लगा है। तो शेर यहाँ 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 है, तो उसको अगर जाना हुआ, रोम अराउंड करना हुआ, तो इन सारे इलाकों में बिल्कुल ह्यूमन के हैबिटेट में इंटर कर सकता है, खेत में इंटर कर सकता है। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन की वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं। अब ये हुआ कि लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, जो हम खाने के लिए एनिमल्स रखते हैं या एनिमल प्रोडक्ट जिनका यूज करते हैं, वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, और वाइल्ड हर्बिवोर्स का कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका ये मतलब हुआ कि गिवन रीजन में जहाँ पे शेर पाया जाता था, वहाँ पे मान लीजिए 100 ही हिरन पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन ने क्या किया कि हजारों मुर्गियाँ और हजारों बकरियाँ पालना स्टार्ट कर दिया इस रीजन में। तो क्या होगा? लाइव स्टॉक पॉपुलेशन बढ़ गई, और कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ऑफ वाइल्ड हर्बीवोर्स हो गया। ठीक है, हिरन से ज़्यादा अब मुर्गियाँ और बकरियाँ पाई जाने लगी उस एरिया में। तो जाहिर सी बात है कि शेर जो है वो बकरियों के और ही बढ़ेगा, क्योंकि वो आसान टारगेट है उनके लिए। मुर्गियों की ओर बढ़ेगा क्योंकि वो आसान टारगेट है, ऑलरेडी बाड़े में रहती हैं। ये भी हुआ है। अब इको टूरिज्म की वजह से लोग जाते हैं जंगल सफारी करने, नेशनल पार्क वगैरह में, और वहाँ पे ऑलरेडी एनिमल हैं, उन्हीं का तो घर है, तो हम उनके घर में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अटैक होंगे। वाइल्ड प्रे का अबेंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा है। ऐसे कुछ स्पीसीज में देखा गया है कि जंगल में जो वाइल्ड प्रेज हैं उनका अमाउंट बढ़ा है। तो अगर प्रे का अमाउंट बढ़ गया है तो क्या होगा? ह्यूमन के लिए वो खतरनाक हैं, इसलिए ह्यूमन को उनके कांटेक्ट में आने पे खतरा है। तो वाइल्ड प्रे बढ़ा है, इसका एग्जांपल हो सकता है हाइनाज का। इंक्रीजिंग वाइल्ड पॉपुलेशन एज ए रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम, और बहुत से एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, टाइगर वगैरह की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जिसकी वजह से अपने रिजर्व एरिया को छोड़ के भी ह्यूमन बस्तियों तक आते जा रहे हैं, ये भी देखा गया है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स वगैरह की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेस्ट का गिवन एरिया जो है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से सूखा वहाँ पर पड़ने लगेगा, तो जंगल से उस एरिया से मूव करके एनिमल उस एरिया में आ जाएंगे जहाँ पे उनको पानी मिलेगा, और कई बार पानी कहाँ मिलता है? जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं। तो इसलिए जब क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से जानवर जो है पानी वगैरह की तलाश में ह्यूमन बस्तियों तक आ जाते हैं, और स्टोकेस्टिक इवेंट जैसे फायर वगैरह हो जाती है जंगलों में, तो भाग के जानवर जो है ह्यूमन बस्तियों तक आ जाते हैं। ये चीज़ें हैं, उनके वजह से क्या होता है, क्रॉप डैमेज हो जाती हैं। अगर हर्बीवोर्स आ रहे हैं तो लाइव स्टॉक डिपोर्टेशन, शेर वगैरह ह्यूमन बस्तियों में आ जाएंगे तो लाइव स्टॉक को खा लेंगे, लोगों को इंजरी कर सकते हैं, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, और वाइल्ड लाइफ को इंजरी होती है, क्योंकि ह्यूमन के संपर्क में आ गया तो ह्यूमन कई बार मार देते हैं, एनिमल्स की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से, और उनके डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट होता जाता है। ह्यूमन एग्रेसिव फॉर्म ले लेते हैं जंगली जानवर के खिलाफ, और उनके हैबिटेट में जाते हैं, और हैबिटेट में को और छेड़खानी करते हैं। कैसे प्रिवेंट किया जाए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट? पहला तो है आर्टिफिशियल और नेचुरल बैरियर्स क्रिएट किया जाए, जैसे फेंसिंग कर दिया जंगलों की, रिजर्व एरिया की फेंसिंग कर देना, गार्डिंग करना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गार्डिंग करता रहता है ताकि ह्यूमन जो हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया में इंटर ना करें। अल्टरनेट हाई कास्ट लाइव स्टॉक बाउंड्री प्रैक्टिसेज, जो भी ह्यूमन अगर जंगल के आसपास अपना पोल्ट्री फार्मिंग या कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे वो उन्होंने एनिमल रखा हुआ है, तो उसको ऐसे बाड़े में रखें ताकि शेर वगैरह आए भी तो अटैक ना कर सकें ऐसे एनिमल्स पे। फिर आ जाता है रिलोकेट करना, कैसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन को
उस एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से ले जाएं और ऐसी जगह ले जाएं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ना होता हो, ठीक है। तो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन गिवन फॉरेस्ट के आसपास बढ़ रही हो तो वहां से उनको मूव ऑन करा के कहीं सेफ लोकेशन ले जाएं। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वेस्ट है उसमें कई बार फूड भी होता है और उसकी ओर वाइल्ड एनिमल्स जो हैं अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम सही रखेंगे तो वाइल्ड एनिमल उस वेस्ट तक नहीं आएंगे और सुरक्षित रहेंगे। मिटिगेटिव स्ट्रेटजीज में आ जाएगा कंपनसेशन सिस्टम, यानी कि जिन लोगों पे अटैक हुआ है उनको कंपनसेट करना। अगर मान लीजिए किसी का खेत है जहाँ पे बार बार शेर आ जाते हैं तो उसको उस जगह से मूव ऑन करा के कंपनसेशन दिया जाए, उसके लिए कहीं और खेत दिया जाए। इंश्योरेंस प्रोग्राम होने चाहिए इसके लिए, इंसेंटिव दिया जाए ताकि लोग वहाँ से मूव कर सकें। कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम लाई जाए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, विलेज होता है आमतौर पर, तो विलेज में सबका अपना घर होता है और सबका अपना घर होता है और सबका अपना जानवर रखने का वो होता है, ठीक है। सबके जानवर फ्रेगमेंटेड होते हैं, तो इस तरीके से शेर आता है इनको अटैक कर सकता है, अगले दिन इनको अटैक करेगा, तो इस तरीके से बिल्कुल भी कॉमन सेंसिकल नहीं है इस तरीके से जानवर रखना। तो इंटीग्रेटेड अगर नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट विलेज करे तो इस तरीके से हो जाएगा कि विलेज के सेंट्रल एरिया में या कोई डिस्टेंट लोकेशन भी हो सकती है, सारे जानवरों को यहाँ पे एक साथ अपना अपना रखें कम्युनिटी के हिसाब से, और सबका घर है और लोग गार्ड ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गार्डिंग करना मुश्किल था, यहाँ पे गार्डिंग की जा सकती क्योंकि सारे एनिमल एक साथ हैं। रेगुलेटेड हार्वेस्ट यानी कि खेती करना किसी भी टाइप की, उसको रेगुलेट करना, जंगल वगैरह में खेती ना करें। इंक्रीज अल्टरनेट क्रॉप प्रेज एंड वाटर पॉइंट्स, तो हम क्रॉप और प्रे जो हैं वो सारे चीज़ों को हम इस तरीके से रखें ताकि आदत ना लग जाए कि शेर जो है वो जंगल से आता है बार बार यहीं पे खाने आते हैं, यहीं पे खाने आते हैं, नहीं उस लोकेशन को चेंज करते रहें। वाइल्ड लाइफ को ट्रांसलोकेट किया जाए, अगर शेर का कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है गिवन विलेजर से और विलेजर मूव ऑन नहीं कर सकते हैं तो वाइल्ड लाइफ को ही ट्रांसलोकेट कर दिया जाए, ऐसा किया भी गया है। कंजर्वेशन एजुकेशन फॉर लोकल पॉपुलेशन और बेटर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जनरल पॉइंट है। तो ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक थैंक यू।